हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में। यदि आप अपने लिए एक मकान बनाना सोच रहे हैं या दो कमरे बनाना सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो मिडिल क्लास से नीचे वालों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ दो कमरे का मैं खर्चा बताने वाला हूँ। इसमें अभी तक छत नहीं पड़ी है। यहाँ तक का खर्चा मैं आप लोगों को टोटल जानकारी देने वाला हूँ कि कितना पैसा आप लोगों को लग जाएगा दो कमरे और एक बाथरूम बनाने में। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तीन चार कमरे और किचन, बाथरूम, लैट्रिन और पौड़ी इतना ही बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग इतना ही अपना बना के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जो उससे नीचे हैं, जिनके लिए दो कमरे बनाना मुश्किल है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि दो कमरे का खर्चा अगर यदि आप लोगों को मालूम है या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हमें इतना खर्च होने वाला है, तो आप उसकी व्यवस्था करके आराम से दो कमरे बना सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और देखिए दो कमरे का खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईंट की। ईंट का खर्चा यहाँ पर 5,000 ईंट लग चुकी है, जो 25,000 रुपये में आती है। और बालू की बात करें तो दो ट्राली बालू यहाँ पे लग चुकी है, वो भी 10,000 रुपये की आती है। सीमेंट की बात करते हैं तो 40 से 45 बैग यहाँ पे लग चुके हैं, 13,600 रुपये इसका बिल बनता है। गिट्टी की बात करें, एक ट्राली का यहाँ पे लग चुकी है। सरिया 8 क्विंटल सरिया लग चुका है। मजदूरी यहाँ पे दो मिस्त्री, दो लेबर, 10 दिन उन्होंने काम किया है। चौखट की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 नग यानी 3 दरवाजे यहाँ पे लगाए गए हैं, वो भी 7,000 रुपये के हैं। वेंटिलेशन की बात करते हैं तो 2 नग यहाँ पे लगे हुए, वो भी 1,000 रुपये के हैं। खिड़की की बात करें तो 2 खिड़कियाँ भी यहाँ पे लगी, वो भी 3,000 रुपये की। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आप अपने मकान में जो जितनी खर्च खिड़की, दरवाजे या जो कुछ भी आपके मकान में आ रहा है उसके हिसाब से आप लगा सकते। टोटल की बात यदि करते हैं तो ये 1,30,000 रुपये में ये काम कम्प्लीट हो गया है। अभी इसमें कम से कम 40 या 50,000 रुपये अभी और लगेगा। ये मान के चलो 2,00,000 रुपये में आपके दो कमरे तैयार हो जाएंगे, प्लस एक बाथरूम तैयार है इसमें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिसके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो दो कमरे बनाने लायक बंदा है, तो वो ये वीडियो उसी के लिए है। अब आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि यदि हमारे दो कमरे बनाते हैं तो हमें कितना खर्चा आ रहा था। 2,00,000 रुपये इसमें खर्च हुआ है। तो यदि 4 कमरे बनाएंगे तो आपके 4,00,000 रुपए हो जाएंगे। और ज़मीन का अलग आप देख सकते हैं, मतलब जो अपना एस्टीमेट आप बना सकते हैं इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बीम पड़ रहा है, यहाँ तक का मैंने अभी तक खर्चा बताया है। इसके बाद अभी लेंटर में थोड़ा खर्चा आएगा, तो वो 50,000 रुपये और लगा के रखिए। मान के चलिए 2,50,000 रुपये में दो कमरे का हमारा मटेरियल, दो कमरे हमारे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के हिसाब से आप 4 कमरे बनाएं या पूरा मकान बनाएं, इसी का हिसाब आप लगा के इसको अपने मकान के हिसाब से इसका पैसा निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे ये रेट चलता है और जहाँ पर आप होंगे वहाँ कुछ और रेट होगा, इसी का हिसाब आप फिर भी लगा सकते हैं।